आइए आज बनाते हैं लेमन राइस और लहसुनिया चिकन। ये वो रेसिपी है जिससे मेरी वाइफ को एक बार एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। बोनलेस चिकन के छोटे टुकड़े कर लेंगे और उसको मैरिनेट करेंगे हल्दी और नमक से। और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट को मोटा मोटा काट लेंगे, जैसे मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता और काली मिर्च को हल्का सा क्रश कर लेंगे। थोड़ी सी तेल लेंगे, बहुत थोड़ा सा तेल, और इसमें काला जीरा का छौंक लगाएंगे, लगाएंगे मिर्च का छौंक, और मोटे कटे हुए लहसुन को गोल्डन फ्राई करने के बाद उसमें मैरिनेटेड टुकड़े चिकन के डाल देंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, अलग से कोई और तेल नहीं डालना है, ये अपने फैट और निकले हुए पानी से ही पकेगा। छोटे टुकड़े करने का यही रीज़न है। हल्का फ्राई हो जाने के बाद इसमें क्रश्ड पेपरकॉर्न डालेंगे और उससे बारीक कटे हुए धनिया पत्ता से गार्निश करके लीजिए, तैयार है बहुत जल्दी चिकन का ये डिश। शायद ही कोई चिकन का डिश इतना जल्दी तैयार होता है। गरम परोसेंगे थोड़ी सी ऊपर से और धनिया पत्ता से इसको गार्निश करेंगे। इसकी फ्लेवर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और स्टिक टू दिस रूल, देखिएगा बहुत टेस्टी चिकन डिश तैयार होता है। नेक्स्ट बनाते हैं लेमन राइस, कलरफुल लेमन राइस, साउथ इंडियन डिश है। इसमें करी पत्ता, लेमन, उड़द के दाल और मूंगफली के दाने लेंगे। थोड़े से ज़्यादा तेल लेना है, लगभग 3-4 चम्मच, और उसमें छौंक लगाने हैं सरसों के। उसके बाद लेगा उड़द के दाल और फिर मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने रोस्टेड थे ही ऑलरेडी, थोड़ी सी ब्राउन हो जाने पर इस पे चॉक लगाएंगे करी पत्ता का, और उसके बाद ऐड कर देंगे कुक्ड राइस। इसमें नमक मिलाएंगे ज़रूरत के अनुसार और हल्दी पाउडर। फिर डालेंगे 4 चम्मच नींबू का रस, जिससे कि देखिए इसका कलर किस तरह से चेंज हो जाएगा। हल्दी रिएक्ट करेगा शायद लेमन से एंड एक ब्यूटीफुल कलर लाएगा। एडिशनली कुछ करी पत्ता से इसको गार्निश करेंगे और लीजिए तैयार है आपका लेमन राइस। इसको जितना गर्म हो सके उतना गर्म परोसिए। उम्मीद है कि आपको ये डिश बहुत अच्छा लगा। लहसुनिया चिकन के साथ लेमन करी का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है और ठंडी के दिन में ये बहुत जल्दी बनने वाला डिश मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।